आज की वीडियो में सबसे पहले मैं बता दूं कि एक कमाल का टॉपिक ये मैं बात करूंगा कि आईटीआई अगर आप इस स्ट्रेट से करते हो तो आपको बहुत जल्दी जॉब मिल जाएगी और बहुत तेज़ी से जॉब मिल रही है। इस पूरी वीडियो में इस टॉपिक पे बात करेंगे। देखो, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसे आप में से बहुत सारे लोग कह रहे हैं और बहुत सारे लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कमेंट्स में आके मैसेज कर रहे हैं कि सर आईटीआई का यह ट्रेड लो, बहुत सर जल्दी जॉब मिलेगी, इस पे वीडियो बनाइए। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आप लोग कह रहे हो, डिमांड है तो वीडियो बनेगी बनेगी आप लोगों के डिमांड पे। तो मैं बता दूँ, सबसे पहले बात कर लेते हैं आईटीआई के ट्रेडों के बारे में। चाहे आप मशीनिस्ट हो, चाहे इलेक्ट्रीसियन हो, चाहे कारपेंटर हो, चाहे बेसिक टेक्नोलॉजी हो, चाहे कोपा हो, किसी भी चीज़ से, सिविल इंजीनियरिंग असिस्टेंट की जॉब हो, कटिंग एंड वेल्डिंग से रिलेटेड हो, बहुत सारे आईटीआई में ट्रेड होते हैं। लिस्ट काफी लंबे हैं, आईटीआई में डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड होते हैं। तो आपको मैं बता दूं, देखो आईटीआई अगर आप सही से कर रहे हो ना, किसी भी ट्रेड से करो, आईटीआई इंजीनियरिंग की एक ऐसी डिग्री है ना जो सबसे छोटी है और बहुत पटाखा टाइप में है, कि मतलब आपको जॉब बहुत जल्दी मिलेगी, अपॉर्चुनिटी आपके लिए बहुत ज़्यादा है आईटीआई पे। तो वो जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप देखो वो जानोगे नहीं कि मेरे लिए बेस्ट ट्रेड कौन सा है, सबसे पहले वो जानो। वही ट्रेड आप चूज करके आईटीआई में अगर जाओगे तो ऑब्वियसली आपकी जॉब, चाहे प्राइवेट इंडस्ट्री हो चाहे गवर्नमेंट इंडस्ट्री हो, दोनों जगहों पे आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। अब ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि ये ट्रेड कर लो तो आपकी जॉब पक्की है, ये ट्रेड कर लिए तो आपको अच्छी खासी जॉब मिल जाएगी। जी नहीं, ये बिल्कुल महज एक अफवाह है कि ऐसा कोई भी ट्रेड नहीं है। इसीलिए मैं इस टाइप की वीडियोस बना रहा हूँ। आप लोग जो कमेंट्स कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग ही मैं कुछ चीज़ें सब्जेक्ट चूज कर रहा हूँ और उसी पर वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आप लोगों को पसंद आए और आप लोग समझ सको कि ये चीज़ें महज एक अफवाह हैं और अफवाहों पर ध्यान मत दे। देखो आईटीआई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, आईटीआई के बाद ऐसा नहीं है, चाहे प्राइवेट इंडस्ट्री हो चाहे गवर्नमेंट इंडस्ट्री हो, जॉब की कोई भी कमी नहीं है। अब उनके लिए ये है जो टैलेंटेड है। अब आईटीआई लेवल में बहुत सारे लोगों का माइंडसेट होता है कि सर मेरे को लेबर टाइप की जॉब मिल रही है, मैं जॉब लेने में बहुत दिक्कत होती है। हाँ, थोड़ा स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा यार, किस चीज़ में स्ट्रगल नहीं है। आप सोचो सिर्फ पढ़ाई करके तो सीधे आपको जॉब मिल जाए, कैंपस प्लेसमेंट हो गया तो चलो फिर बेटर है, अगर कैंपस नहीं हुआ तो फिर वहाँ से चीज़ें आपके लिए काम करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो वो हिंदी में, शुद्ध हिंदी में, आसान भाषा में जैसे कह लें कि अगर आप आईटीआई सही से करते हो, प्रैक्टिकल नॉलेज आईटीआई में भरपूर दिया जाता है, आईटीआई की किसी भी संस्था से आप कर रहे हो, चाहे प्राइवेट संस्था से चाहे आप गवर्नमेंट संस्था से कर रहे हो, किसी भी जगह से अगर आप आईटीआई बहुत अच्छे से कर रहे हो, टेक्निकल नॉलेज लेते हुए, प्रैक्टिकल नॉलेज लेते हुए, ऑल दो आईटीआई में मैक्सिमम जगहों पर अगर आप रेगुलर हो तो मैक्सिमम जगहों पर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाएगा। एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, जो लोग भी आईटीआई करने जाना है रेगुलर करो यार, डिस्टेंस से मैं कभी अग्री नहीं करूँगा, और ऐसे कॉलेज से कभी मत करना जहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल लैब नहीं है, ऐसी जगहों से आईटीआई करके नकली आईटीआई वाले मैं कहूँगा निकल रहे हैं। आप अपना फ्यूचर बर्बाद कर रहे हो, अपने घर वालों का फ्यूचर बर्बाद कर रहे हो, आप अपने साथ खिलवाड़ कर रहे हो, अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो। आप एक साल और टाइम लो, एंट्रेंस एग्जाम दो, अच्छी रैंक लेकर के आओ, अच्छी जगह पर जाओ, लेकिन हाँ एक साल बर्बाद के चक्कर में आप जल्दबाजी में डिसीजन मत लीजिए, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया डिसीजन हमेशा कॉम्प्लिकेटेड होगा और आपका फ्यूचर डिसाइडेड है यार। ये आपको समझना पड़ेगा, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, कोई भी हो, आपका फ्यूचर इस पे डिसाइड होने वाला है कि आपको कहां जाना है, आपको किस डायरेक्शन में जाना है। बहुत सारे लोग हैं हड़बड़ी में, जल्दबाजी में, किसी भी प्राइवेट संस्था में दो रूम का रूम लेकर के आईटीआई का कॉलेज खोल दिया, वहां पर लोग एडमिशन ले रहे हैं, वहां से आईटीआई कर रहे हैं। ऐसी जगहों से क्या फायदा आपको आईटीआई करने से, ऐसी जगहों पर आप पढ़ोगे हमेशा बेरोजगार रहोगे। मैं एकदम आसान भाषा में आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, और वो समझना पड़ेगा। जब तक आप समझोगे नहीं, जब तक आप जानोगे नहीं, इसीलिए तो मैं करियर अड्डा पे इस तरह वीडियोस बनाता हूँ कि आप लोगों को एक्चुअल चीज़ें पता चल सके इंडस्ट्री की। देखो इंडस्ट्री है, नॉलेज ओरिएंटेड है। अब वो टाइम खत्म हो गया कि लोगों के रेफरेंस से जॉब लग जाएगी, रेफरेंस से जॉब तो लग जाएगी, 10 दिन में निकाल दिए जाओगे अगर काम नहीं आता है। कोई भी कंपनी सर्वाइव नहीं कर पाएगी, किसी भी कंपनी के साथ आप स्मूथ आगे नहीं बढ़ पाओगे, तो वहाँ पे चीज़ें आपके लिए प्रॉब्लम कर जाएंगे और चीज़ें समझ से भी बाहर हो जाएंगी। शायद आपके लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा, शायद आपके लिए टफ हो जाएगा, फिर वही भाग कर आप वापस अपने घर जाओगे, घर वालों को परेशान करोगे, अब मुझे ये करना, मुझे वो करना। तो इन सब चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए ट्राई यही करो कि अच्छे जगह से करो। और देखो, गवर्नमेंट जॉब नहीं लगती तो प्राइवेट इंडस्ट्री में आपके लिए अपॉर्चुनिटी, हाँ, लेकिन स्ट्रगल करना पड़ेगा। 2000, 5000, 10000 जो भी जॉब मिल रही है एक्सेप्ट करना पड़ेगा स्टार्टिंग में, लेकिन हाँ उससे फिर आपको आइडिया लग जाएगा कि हमें लाइफ में स्टेप बाय स्टेप आगे कैसे बढ़ना। सब लोग ऐसे ही आते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई आते ही बहुत सीधे वो ऊँची पोस्ट पर ही आ जाता है या फिर ऐसे प्रॉब्लम होती। तो स्टेप बाय स्टेप आपको लाइफ में आगे बढ़ना पड़ेगा और चीज़ें समझनी पड़ेगी और उसी अकॉर्डिंग मैच्योरिटी
मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी। जब तक मैच्योरिटी नहीं दिखाओगे तब तक आप ऐसे ही अफवाहों पे ध्यान दोगे कि आईटीआई का ये ट्रेड ले लो, बहुत पैसे हैं, आईटीआई यहाँ से कर लो, पैसा छाप लोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर देखो इस तरह की अफवाहों पर आप ध्यान दोगे तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को स्पॉयल कर रहे हो। और जिस भी ट्रेड से कर रहे हो मन लगा के करो यार, जॉब की कोई कमी नहीं है। मैं बता दूं मार्केट में जॉब की कोई कमी नहीं है, थोड़ा बहुत प्लस माइनस हमेशा ही चलेगा। कभी रिसेशन, जैसे अभी थोड़ा बहुत रिसेशन का सेशन चला, रिसेशन होगा, ऐसा नहीं है कि लाइफ टाइम चलता रहेगा, दो चार दस साल इस तरह से रहोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अपने काबिलियत पर भरोसा करो, जब आपके अंदर काबिलियत होगी तो ऑब्वियसली आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी भी जनरेट होगी। तो बस वीडियो में इतना ही, होप गाइस वीडियो आपको समझ में आएगा। जो लोग टेलीग्राम पे हो और करियर अड्डा चैनल वहाँ टेलीग्राम पे भी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, कमेंट में पिन कर दे रहा हूँ, टेलीग्राम पे भी जाके ज्वाइन जरूर करें। थैंक यू।